अस्सलाम स्टूडेंट्स, हैलिडे रेस्टिंग क्रेन मयर में स्टोरी का लेक्चर नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। आप पर पॉइंट नंबर 21 हमारे पास तो देखिए, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है ना, तो ये एक सीक्वेंस है, वो आपको बता रहा है कि किस तरह एडवांसमेंट होती चली गई, किस तरह इम्प्रूवमेंट आती गई, पहले कौन सा स्टैंडर्ड था, फिर उसको रिजेक्ट करके नया स्टैंडर्ड बनाया गया। ये सारी बातें अभी तक हमने यहाँ तक डिस्कस की है। क्लास का टाइम जो है ना, अब कल से 8 बजे हो गया, क्योंकि हमने वोटिंग करवाई थी ग्रुप में, तो जो मेजोरिटी स्टूडेंट थे वो 8 बजे का बोल रहे थे, तो कल से आपकी टाइमिंग जो है ना 8 बजे इंशाल्लाह स्टार्ट होगी। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने 8 बजे का बोला है, तो इसलिए अब आपकी टाइमिंग 8 PM पे है। सारे इसको ऑफिशियल ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा और आप इसको माइंड में रखें। 21 पॉइंट है बाय 1983 द डिमांड फॉर हाई प्रिसीजन। देखिए पहले प्रिसीजन कितनी मिल रही थी, ये वाली, लेकिन जैसे वक्त गुजरता चला गया तो प्रिसीजन की डिमांड में इजाफा होता चला गया। द पोटेशियम 86 आइसोटोप स्टैंडर्ड कुड नॉट मीट देम एंड इन दैट ईयर अ फोर्थ स्टेप वाज टेकन, द मीटर वाज रीडिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट वेव इन अ स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल इन अ, तो फिर यानी कि टाइम का स्टैंडर्ड अब क्या बना दिया गया, ये वाला क्रिप्टोन को छोड़ के आप जो अभी तक का जो टाइम का मीटर का जो स्टैंडर्ड है ना, वो ये वाला है, यानी कि जो वैक्यूम में जो लाइट है जितनी वो स्पीड ट्रेवल करती है उसका आपने क्या लेना है, ये 1/2997924.58 वाला पार्ट लेना है। जैसा कि अगर आपकी ये वाली है ना, अगर लेट सपोज ये आपकी शेप है तो ये इसकी पोजीशन है ऐसे, तो इसके यानी कि आप कर ले 100 हिस्से। ठीक है, इन 100 हिस्सों में से मैं सिर्फ एक हिस्सा लेता हूँ, तो उसको मैथमेटिकली मैं कैसे लिखूंगा, 1/100। तो इसी तरह आपने क्या करना है, आपने इतने हिस्से बनाए 2997924.58, उसमें से सिर्फ एक हिस्सा आपने लेना है। क्लियर है ये पॉइंट, कि कितना पार्ट आपने लेना है, तो इसका जाहिर आंसर बहुत छोटा आएगा। दिस न्यू डेफिनेशन ऑफ द मीटर वाज नेसेसरी बिकॉज, जी तानिया, फिर वो जो सीजियम 133 की ग्राउंड स्टेट की जो हमारे पास ऑसिलेशन से हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ था टाइम का, उसका कहाँ गया सारा कॉन्सेप्ट जब हमने इसे स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में जब ली उसे ये आप उसको वन मीटर से पे आ डिवाइड गए कर हैं, दिया? आप अब मीटर नहीं, टाइम का स्टैंडर्ड सीजिए भी चल रहा है। अच्छा, एक ओके और सीजिए से भी ज्यादा अच्छे पे आप उसको कह सकती हैं अटोमिक क्लॉक से, तो यानी कि टाइम का जो स्टैंडर्ड वाइज थी वो सीजिए नहीं है। उसके बाद अगर आपने और अच्छा स्टैंडर्ड बनाना है वो फिर आप उसमें अटोमिक क्लॉक से चले जाती हैं। ये तो आप ऐसे टॉप लेते हैं ना, तो आप उसको और अच्छा पे टाइम ले लेते हैं। तो ये मीटर की ये आप न्यू डेफिनेशन बन गई, दिस वन। वो कह रहा है कि ये जो न्यू डेफिनेशन ऑफ मीटर है वाज नेसेसरी बिकॉज मेजरमेंट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट एंड बिकम सो प्रिसाइज, क्योंकि जाहिर है कि स्पीड ऑफ लाइट को हम मेजर कर चुके थे, हमें वैल्यू का पता था, तो उससे फिर हमें क्या किया, हमने पोटेशियम ये Kr86 को हमने क्या कर दिया, इसको छोड़कर हम स्पीड ऑफ लाइट की तरफ चले गए। अब आ जाते हैं मैथ पर। द एस स्टैंडर्ड ऑफ मैथ इज प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर, वो क्या था, प्लैटिनम इरिडियम बार। आप जो सिलेंडर रखिए, जो कि आप हमने मैथ पर आना है, तो ये सिलेंडर पहले यूज हो रहा था, वही बात है, इंटरनेशनल ब्यूरो में ये महफूज था, और इसका जितना मैथ था उसको 1 kg कहते थे। फिर जो स्कैडरी स्टैंडर्ड होते हैं, स्कैडरी का मतलब जो कॉपीज होती हैं, वो फिर आप क्या कहते हैं लेबोरेटरीज में बनाते थे दूसरे कंट्रीज में, तो वो इसकी जो प्रोसीजर वही थी 1/10 की पावर 8 पार्ट में। मीन्स वो सीजियम 133 वाला कंसेप्ट हम आप यूज नहीं कर रहे होते सेकंड की जगह,
सीजियम ही को यूज कर रही हैं अंतारियां, जो टाइम का जो स्टैंडर्ड है ना उसका अभी जो मतलब है वो सीजियम 133 ही है। लेकिन अगर आप और एडवांसमेंट में चले जाए ना फिर वो एटॉमिक क्लास में आती है, लेकिन अभी तक की जनरल जो हमारा स्टैंडर्ड है वो सीजियम आपका 133 है। ठीक है, यूएस कॉपी ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मैथ प्रोटोटाइप इसका नाम है, नंबर 20 इज हाउस्ड इन अ वॉल्ट एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड, इट इज रिमूव्ड नो मोर देन। आप देखिए ये जो मैथ वाला जो प्रोटोटाइप है वो कह रहा है साल के अंदर एक से ज्यादा दफा इसको नहीं निकाला जाता। सिंस दिस प्रोटोटाइप हैज बीन टेकन टू फ्रांस ट्वाइस फॉर कंपेरिजन विद द मास्टर किलोग्राम, जो अमेरिका की बात कर रहा है वो कह रहा है कि वो कॉपी जहरा बनानी होती है, जब उसको निकाला जाता है व्हेन इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द वॉल्ट टू पीपल आर ऑलवेज प्रेजेंट, दो लोग हमेशा मौजूद होती हैं, एक उसको उठाता है और दूसरा जो है उसको कैश करने की पोजिशन में रहता है कि अगर पहले बंदे से वो छूट जाए तो दूसरे बंदे वो फिर नीचे ना गिरे बल्कि क्या करे दूसरा बंदा उसको कैच कर ले। तो यानी कि अंदाजा लगा लें कितनी ज्यादा उसका वो किया जाता है कि दो बंदे हमेशा मौजूद रहने हैं, एक बंदर उसको पकड़ना दूसरे बंदर उसको कैच करना है। मोस्ट मैसेज हैव बीन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड किलोग्राम बाय इनडायरेक्ट मेथड, जैसा कि अर्थ है, अब अर्थ का जो मैथ है ना कि वो इस स्टैंडर्ड से तो हम मेजर नहीं ना कर सकते, हमने इसके लिए कौन सा कैसे मेजर किया इनडायरेक्ट मेथड से। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशन फोर्स है, यानी कि लॉ ग्रेविटेशन लॉ को हमने यूज किया, ठीक है, जो हमें न्यूटन ने दिया था। लैटिस फील्ड हमने लिए, उनके दरमियान जो ग्रेविटेशन फोर्स थी वो हमने मालूम की, फिर उसको कंपेयर किया, कंपेयरिंग इट विद द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ फॉर अ नाउन मैस, यानी कि एक मैस को आपने गिराया जमीन पर तो जमीन इस मैस पर जितनी अट्रैक्शन के फोर्स लगाती है दोनों के आपने कंपेरिजन किया, दो ग्रेविटेशन फोर्स हैं, पहले ग्रेविटेशन फोर्स है लैटिस के दरमियान उसको आपने नोट डाउन कर लिया, फिर आपने एक नाउन मास के लिए अर्थ की जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसको नाउन वो नोट कर लिया, फिर दोनों को कंपेयर किया। द मैसेज ऑफ द स्पीयर वो कह रहा है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप पहले केस में ग्रेविटेशन फोर्स आप मालूम कर सकती हैं। तो कंपेरिजन करके फिर हमने क्या किया अर्थ का मैस हमने जाकर मालूम किया। तो यहां तक एक क्वेश्चन तो पूछते हैं पॉइंट नंबर 25 है, ऑन एटॉमिक स्केल वी हैव अ सेकंड स्टैंडर्ड ऑफ मास व्हिच इज दैट एसआई यूनिट, अगर हम एटॉमिक वर्ल्ड में जाए फिर हम मास का हमारा स्टैंडर्ड क्या है कार्बन 12। आप जानते हैं कार्बन के तीन आइसोटोप हैं कार्बन 10, 11, 12, तो जो 12वां आइसोटोप है कार्बन 12 इसको आपने क्या कि इसके 12 पार्ट आपने बना लिए, कार्बन 12 के जो आइसोटोप इसके 12 पार्ट बना रही है, एक पार्ट जो होगा उसको आप क्या बोलते हैं 1AMU। क्लियर है, कार्बन 12 आइसोटोप का जो है उसके आपने 12 पार्ट बना लिए इक्वली, उसका जो एक पार्ट है उसको आप क्या बोलते हैं 1AMU। ये पॉइंट क्लियर है, उसको आप म्यू से भी डिनोट करते हैं। तो इससे आप क्या कर सकती हैं मैथ स्पेक्ट्रोमीटर ये डिवाइस है, इससे आप एटम्स के मैथ आप मालूम कर सकती हैं। तीन स्टैंडर्ड यानी कि हमें वो बताया है, पहला हमारा मास्टर कॉपी, फिर इनडायरेक्ट मेथड, और तीसरा हमारा ये एटॉमिक मैथ मालूम करने के लिए ये वाला। यू सर, ये यू और ए एक ही चीज है? और हाँ ये AMU एटॉमिक मास। एक ही ठीक चीज है, है, अर्थ का रेडियस कैसे मालूम किया गया है मैथ तो हो गया इस तरह। देखिए ये जाहिर है कि ये सारी चीजें आप इनडायरेक्ट मेथड से ही मालूम कर सकती हैं, डायरेक्ट मेथड से आप इन चीजों को मालूम नहीं कर सकते, ठीक है, ये फार्मूलाज को ही मालूम करके आप इसको मालूम कर सकती हैं। क्लियर है तानिया, यही फार्मूला एफ इज इक्वल टू जी
एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अगर आपको बाकी तीन चीजों के वैल्यू को पता है तो आप रेडियस फॉलो कर सकती हैं। ये हमारे इसके जो पॉइंट्स है वो कंप्लीट हो गया। तो देखें, सबसे पहले हमारा, मैं थोड़ा सा आपको गाइड भी करता चला जाऊं कि ताकि आपको पता चले कि हमने स्टैच्यू को लेके किस तरह जाना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर सर ये देख सकते हैं, 21 को फिर से रिपीट कर दे। ट्वेंटी कौन सा, वन ये सर एटम्स के ट्वेंटी मैथ वन हम लोग इस तरह करते हैं। 21, जी सर। मैंने यस ये सर बोला कि फॉर एग्जाम्पल ये शेप है ना आपकी, इसके आपने 100 पार्ट बना लिए। अगर आप सिर्फ एक पार्ट से वो सिलेक्ट करती हैं तो उस एक पार्ट को आप मैथमेटिकली किस तरह लिखती हैं, इस तरह। ठीक है, यानी कि आप, आपने क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट के आपने इतने पार्ट बनाए, 299 792 4, यानी कि कह सकती हैं 3 लाख पार्ट बनाए। उसका एक पार्ट जो होगा, इसकी जो लेंथ होगी वो आप 1 मीटर बोलती हैं। इसका जो आंसर होगा ना वो 1 मीटर के इक्वल होगा। अब क्लियर है? तो ओके सर। मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं आपको दोबारा कि आपने सेशन को लेके किस तरह चलना है। सबसे पहले कंप्लीट थ्योरी डिस्कशन है। तो अब आपसे ये राय है कि हम बुक से भी पढ़ें, जैसे कि अभी ये जो चैप्टर है ना, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ये मैंने नोट आपको बना के दिए, तो क्या हमें बुक से भी पढ़ना चाहिए या सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही ठीक हैं? सबसे पहले सवाल का जवाब दें। सबसे पहले क्लास में जो शो हो रहा है 3 डॉट्स, आप बताएं हमें बुक से भी पढ़ना चाहिए या हमें वो सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने चाहिए या दोनों पढ़ने चाहिए, ये बताएं। लेकिन सर दोनों आप कह रहे हैं कि बुक से भी स्टडी करनी चाहिए पहले, मतलब चैप्टर को, तो फिर इसके जी सर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने चाहिए, यानी आप दोनों पे हैं। ठीक है, नजीबुल्ला जी सर भी दोनों, सैयदा समरा अली भी दोनों, 3 वोट हो गए। अब्दुल असीब आप बताओ। अब शीन भी बोवरली है दोनों, जैद दोनों, और वो कह रहे सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब्दुल असीम जान दोनों, अली आप बताओ। चीजें वैसे मोस्टली तो यही होनी है, उसमें बस ये आ जाना, डायग्राम तो आ जानी है, बस और कुछ नहीं होना। रिवीजन के लिए क्वेश्चन आंसर कंसेशन होना नहीं है। ऑप्शन इस तरह स्पीड भी तो हमारी बहुत ज्यादा स्लो हो जा रही है ना, अगर हम दोनों पढ़ेंगे। तानिया ने सजेशन दी है कि बुक्स भी आप घर से पढ़ के आए और क्लास में फिर आप वो कर लें। हाँ जी, ये चैप्टर के अंदर से ये पॉइंट्स इकट्ठे किए गए हैं। अब जब आप चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आप यही पॉइंट्स आपको मिलेंगे वहां पर भी, बाकी फिर आपको कुछ डायग्राम मिल जाएंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं है वहां पर। क्योंकि जो मोस्ट प्रोबेबली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने नोट ऑन करके हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, बाकी वहां पर डायग्राम भी आपको मिल रही है या टेबल हो गया, बाकी ये 2 चीजें मिल रही हैं। हाँ जी, कोई वहां पर कोई ये नहीं है क्योंकि एडिशनल चीज आपको मिल जा रही है, क्योंकि मैंने पूरे चैप्टर को पढ़ा है, मैंने पूरे चैप्टर को पढ़ा है, तो उसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगी हैं वो मैंने उसको यहाँ पर लिख दी है। अब डायरेक्ट जब आप चैप्टर को बुक से अगर आप स्टडी करें तो एक एक लाइन तो आप क्लास में नहीं ना पढ़ सकते, क्योंकि बहुत सारी वो इंग्लिश जो बुक्स होती है ना वो बड़ी अजीब तरीके होती हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं करते, वैसे लगता है जैसे कोई बंदा हमसे वो बात कर रहा होता है कि वो जस्ट कह रहा है कैसे कर रहा वैसे कर रहा।
यानी कि बुक की लैंग्वेज में वो बात नहीं करता, जैसे टीचर पढ़ा रहे होते हैं ना, किस तरह की उसकी लैंग्वेज होती है। तो तानिया क्या मुझे मुझ पर अच्छा लग गया है, आज इसका टाइम बहुत लग जाएगा। तो तानिया क्या मुझे मुझ पर अच्छा लग गया है। सईदा समर आप क्या कह रही हैं, टॉपिक के साथ साथ आप सैंपल प्रो करवाएंगी, ये क्या मतलब है। तो तानिया का मुझे मुझसे अच्छा लग गया, क्या आप क्या करें, आप यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हैं ना, तो अब आपने क्या करना है, आपने खुद चैप्टर वो सारा स्टडी करना है। तो वहां से अगर आपको भी ऐसी बात वो नजर आ जाती जो मुझे नजर नहीं आ सकी, तो फिर आपने क्या करना है, उसमें वो जो बात होगी वो आपने क्वेश्चन फाइल में ऐड कर लेनी है, ठीक है। वो फिर जब क्वेश्चन आंसर वाला हमारा जो सेशन होगा ना, उसमें फिर आप वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जिस तरह आप आपके जो चैप्टर वो भी हो जाएगा। तो अब आपके घर से ये टास्क है कि आपने वो चैप्टर खुद पढ़ना है, तो मे भी अदर कुछ पॉइंट मेरे से मिस हो सकते हैं, तो वो किसी ना किसी की नजर में आ जाए, तो जो क्वेश्चन आंसर वाला जो सेशन होगा ना, उसके अंदर वो डिस्कस कर लेंगे, जिस तरह आपके सारे एरियाज वो कवर अप हो जाएंगे। एचआर की बुक रीडिंग से हम कर वही बात है ना कि कोशिश करें, कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ जाएगा ना, कोई मैं भी कोई लाइन आपको नजर आ जाए जो मेरे से मिस हो गई हो। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है, एक्सरसाइज का सोल्यूशन प्रोवाइड करें जी, प्रोवाइड करेंगे हम इंशाल्लाह ताला, एमसीक्यूज का भी सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और एक्सरसाइज का भी। आपने शेयर की हुई है नजीबुल्लाह बुक शेयर, दोबारा कर देंगे सर। वो कल का एक क्वेश्चन रहता है वो हो गया डिस्कस, नहीं वो मैं मुझे याद ही रहा उसको सर्च करना, वो अभी डिस्कस नहीं हो बता रही हूँ। टाइमिंग 9 से पहले अटेंड करना थोड़ा मुश्किल है, और हो गया बस छुट्टियों में थोड़ा सा है, छुट्टियों के बाद आपकी टाइमिंग फिक्स हो जानी है, 9 से 4, 9:40 हो जानी है। ये छुट्टियों में बस है थोड़ा बहुत टाइमिंग, कभी जल्दी हो जाते कभी थोड़ा लेट है, तो छुट्टियों के बाद सबकी टाइमिंग फिक्स हो जानी है, सबको पता होना है। तो ये 10-12 दिन रहेगी, 10-15 दिन बाद। हाँ जी, शायद हम दोनों वॉल्यूम करवाएंगे अब्दुल असीम। तो अब हमारा ये वाला पोर्शन हो गया। देखिए फहीम, हमने कोई टारगेट तो नहीं रखा होगा, क्योंकि जब हम टारगेट रखे ना कि इतने देर में कंप्लीट करवाना है HRK को Volume 1 को, तो फिर डायरेक्ट बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं। अब मैं बोलूँ कि मैंने 3 मंथ में ये फर्स्ट वाले में आपको कंप्लीट करके देना है, फिर डायरेक्ट मेरा फोकस वो सिलेबस कवर पर होगा, फिर मैं लेक्चर ज़्यादा तेजी से दूंगा, फिर मेरे माइंड में ये नहीं होगा कि जी मैं बात आप कोई डिटेल से करने वाली है या नहीं, फिर वो सिलेबस के बंदे पीछे भाग जाता है, इसलिए कोई टारगेट नहीं रखा होगा। मेरा टारगेट सिर्फ है कि हम कंसेप्ट पर फोकस करें, बात सिलेबस कवर करने से लोग आपको कभी कुछ हासिल नहीं होगा, बस आपको दिली सेटिस्फेक्शन होगी कि इतना मैंने सिलेबस कवर कर दिया, लेकिन एट द रिजल्ट वो जो रिजल्ट है वो आपको कुछ नहीं मिलेगा। Volume 2 कॉपी अभी हमारे पास नहीं है अब्दुल असीम। तो अब आ जाती है कि थ्योरी वाला डिस्कशन हमारा हो गया, तो उसको चैप्टर से आपने घर से खुद पढ़ना है। तो कल अब हमारा जो डिस्कशन होगी वो होंगी MCQ, क्वेश्चन आंसर वाला जो सेशन होगा ना, वो सबसे लास्ट पर होगा, और इसलिए लास्ट पर रखा ताकि ये सारे कंसेप्ट से आप गो थ्रू हो लें, उसके बाद भी जो आपके क्वेश्चन होंगे वो फिर एट द एंड पढ़ेंगे, ताकि फिर हमारी वो बहुत सारी चीजें रिवी है रिवाइज भी हो जाए, ठीक है ना, एंड पे रखती हैं। तो कल हमारा जो सेशन होगा वो MCQ अब स्टार्ट करेंगे। हेलिडे रेजनी क्रेन की जो टेक्स्ट बुक है वहां पर तो 2-3 MCQ है, उसको हमने फॉलो नहीं करना। इसके एक अलग से MCQ बुक है हेलिडे रेजनी क्रेन की, उसके अंदर 29 MCQ है मेजरमेंट के। तो कल से हम इंशाल्लाह तआला मेजरमेंट के जो MCQ है ना वो आप डिस्कस करेंगे। Number 2 पर, Number 3 पर हम एक्सरसाइज को जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। Number 4 पर आपका क्वेश्चन आंसर वाला सेशन हो जाएगा, Number 4 पर। Number 5 पर आपका चैप्टर का क्विज हो जाएगा। तो ये 5 सेशन हमारे होंगे, पहला सेशन थ्योरी डिस्कशन का, दूसरा सेशन MCQ डिस्कशन का, तीसरा सेशन एक्सरसाइज सॉल्यूशन का, चौथा सेशन क्वेश्चन आंसर का, और 5वां सेशन आपका
ऑनलाइन क्विज हो जाएगा और क्विज भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा अगर कोई आपका आपका सवाल है तो पूछ ले, नहीं तो मीटिंग एंड करती हैं। फी हमने अफोर्डेबल रखी है, तो अगर आप पेड वाले ज्वाइन करती हैं तो आपको सारा मटेरियल आपको मिलेगा। टॉपिक के साथ अगर एमसीक्यू को भी डिस्कस करें तो आपके लिए भी आसान होगा। नहीं असीब, वो ना इकट्ठे एमसीक्यू बने हुए हैं एचआरके की बुक से, तो पहले वो ही बुक वैसी थी, कैसे ना वो काफी मुश्किल हो जाएगा। सारी ये ज्यादा एमसीक्यू किधर से मिलेंगे? एचआरके के सेपरेट बुक क्या सारी है, वहां पे एमसीक्यू के दिए हुए हैं, वो आपसे शेयर हम कर देंगे। आज यहाँ चैप्टर पे ज्यादा जी टिकल तो होगा, 5 सेशन आज चैप्टर में होंगे। इधर ये सिर्फ 3 है एचआर के, ये टेक्स्ट बुक की आप तानिया देख रहे हैं वहां पर सिर्फ 3 एमसीक्यू है, एक सेपरेट बुक है एचआर के की, उसमें सिर्फ एमसीक्यू होती हैं, तो आप वहां से करेंगे। हाँ जी असीब, अपना अपना तरीका होता पढ़ाने का, मेरा यही है कि सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चले वो ज्यादा फिर अच्छा हो जाता है। कोई और सवाल? अगर कोई सेशन ज्वाइन है, देखिए जो पेड स्टूडेंट है ना सिर्फ उनको मटेरियल पीडीएफ में मिलेगा, ये बात मैं दोबारा आपको क्लियर कर दूं। जो फ्री स्टूडेंट है हमने अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लास तक एक्सेस दी है और रिकॉर्डेड लेक्चर तक, बाकी जो सोल्यूशन है पीडीएफ में या जो ये जो पेड नोट्स हैं ये फ्री स्टूडेंट्स को नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ पेड स्टूडेंट को मिलेंगे। अब अगर आपसे सारा कुछ शेयर कर दिया जाए तो फिर जिन्होंने फी दी है फिर उनके साथ ज्यादा होगी, तो बस आपके लिए हम इतनी कह सकते थे कि आपको लाइव क्लास में पार्ट आने की इजाजत दे दें और ये इसकी रिकॉर्डिंग आपको दे दें, बाकी ये जो नोट्स हैं जो पीडीएफ में ये सारा कुछ है ये आपसे शेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो फिर और बात पूछनी है तो पूछने। सर, जो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। हाँ जी वो भी डिस्कस करें, वो ही एक्सरसाइज वाला आ जाता था, ये वाला एक्सरसाइज सारे नहीं करेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो मतलब है कंसेप्चुअल होंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन की जो डिमांड होगी ना सिर्फ वो करेंगे, क्योंकि वहां पर ढेर सारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, वो करें फिर तो साल डेढ़ साल है एचआरसी फिलहाल। फिलहाल हम ये करेंगे कि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना वो हम सिर्फ करेंगे। चलिए सी मैं शेयर कर दूंगा, तो और किस सवाल? एक मिनट आपका वेट करूंगा, कोई सवाल आया तो पूछते हैं। आई थिंक साहब आपका कोई सवाल नहीं है, तो अगर कोई सवाल हुआ भी वो फिर आप डिस्कशन रूम में पूछ लीजिएगा। चलिए फिर अल्लाह हाफिज, कल हमारी क्लास 8 बजे होगी। जी ताने को सवाल है? चलिए ठीक है, कल आपकी क्लास 8 बजे होगी।